हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल भारत का भविष्य में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो हम लोग एक बहुत ही दुखद खबर जानने वाले हैं जो कि बिहार से निकल कर सामने आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार के जो गया जिला है वहाँ से एक बहुत ही दुखद खबर निकल करके सामने आ रहा है सभी श्रमिक भाइयों के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट BRMGSS से संबंधित अपडेट को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इस न्यूज़ को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 11 घंटा पहले का यह अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, अनाज लोड लिए जाने के दौरान ट्रक अचानक से ढला, देखते ही देखते कुल्फी बेच रहे युवक पर चढ़ने से मौत हो गई। कर गए तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिले के चकंद स्टेशन के रैक पॉइंट के निकट मालगाड़ी में ट्रक से अनाज लोड लिए जाने के दौरान ट्रक अचानक से ढल गया, इससे एक युवक की मौत हो गई। युवक रैक पॉइंट के पास ही ठेला लगाकर कुल्फी बेच रहा था बेचा करता था यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है प्रत्येक दिन का उसका काम था कि वहाँ पे जा करके कुल्फी बेचना और अपने परिवार का भरण पोषण करना। फ्रेंड्स आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, मौके पर पुलिस पहुँची ने शव को कब्जे में ले लिया है, यहाँ पे अपने कब्जे में। वही ट्रक का चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। चाकंद थाना पुलिस के मुताबिक सोमवार की दोपहर बाद चाकंद रेलवे स्टेशन के निकट बनाए गए रैक पॉइंट के पास अनाज की लोडिंग व अनलोडिंग कराई जा रही थी। तो फ्रेंड्स यह खबर जो है गया जिला का है और वहां पे पुलिस जो है उसकी लाश को जो है अपने कब्जे में ले लिया है और स्टेशन जो है चाकंद रेलवे स्टेशन वह बताया जा रहा है। फ्रेंड्स आप यहां पे आगे देख सकते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स युवक के दम तोड़े जाने की खबर सुनते ही रैक पॉइंट से जुड़े मजदूर मौके से खिसक लिए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। लोगों ने बताया कि ट्रक से हुए हादसे में मारा गया युवक सुधीर कुमार बीथो गांव में किराए के मकान में रहकर कुल्फी का कारोबार कर रहा था। वह मूल रूप से छुटकी नवादा का रहने वाला था, उसकी शादी तय हो गई थी और 3 मई को तिलक। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग ट्रक से मालगाड़ी में की जा रही थी, इसी बीच एक ट्रक अचानक से पीछे की ओर तेजी से ढलने लगा और रैक पॉइंट के नीचे कुल्फी बेच रहे युवक के ऊपर चढ़ गया। युवक के ऊपर ट्रक के चढ़ते ही मौके पर भगदड़ मच गई। काफ़ी मुशक्कत के बाद ट्रक को किसी तरह से हटाया गया है और लड़के को बाहर निकाला गया, साथ ही उसे हॉस्पिटल ले गया। लेकिन हॉस्पिटल में पहुँचने के पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स जितने भी मेरे श्रमिक भाई हैं वो लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग जो है अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक गलती की वजह से आपके पूरे परिवार जो है परेशान हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग BRMGSS से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो आप लोग इस भाई के लिए भगवान से दुआ कीजिए कि इनकी आत्मा को शांति जरूर मिले। तो फ्रेंड्स अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।